कोरोना वायरस और पड़ोसी मुल्कों की जमीन हड़प नीति के कारण दुनिया में चीन की आज सबसे ज़्यादा चर्चा है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक चीन की असलियत के बारे में आज भी लोगों को बहुत ही कम पता है। चीन के अंदर एक से बढ़कर एक राज दफन है जिसके बारे में कोई चाह कर भी कोई जानकारी नहीं जुटा सकता। रहस्यमय चीन का एक इतिहास ये भी है कि वहाँ मिस्र के ग्रेट पिरामिड से भी ऊंचे हजारों साल पुराने पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, वह किस मकसद से बनाया गया होगा, आधुनिक विज्ञान के युग में भी उनके बारे में जानने समझने की किसी को इजाज़त नहीं है। उस 8000 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर पर चीन की सेना की 2400 घंटे नज़र रहती है। चीन के सियान में एक विशाल पिरामिड मौजूद है, लेकिन सदियों से ये बात छिपा कर रखी जा रही है। इनमें से एक पिरामिड तो मिस्र के दी ग्रेट पिरामिड से भी ऊंचा है, जिसके आसपास में छोटे छोटे पिरामिड बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से चीन की कोई भी बात दुनिया के लिए पहेली बनी होती है, ऐसे में पिरामिड के बारे में भी दुनिया आज तक अज्ञान बनी हुई है। लेकिन सच्चाई है कि चीन में अनेकों रहस्यमय पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के इस रहस्यमय पिरामिडों की सुरक्षा चीन के मिलिट्री गार्ड्स के पास है, जो इस पर निगरानी रखते हैं। माना जाता है कि इन पिरामिडों में चीन के इतिहास से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण राज छुपे हुए हैं, जिसे चीन हमेशा गुप्त ही रखना चाहता है। हम चीन के जिस सबसे विशाल पिरामिड की बात कर रहे हैं, वह सियान से 100 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। यहाँ पिरामिड के आकार वाले टीले सदियों से राज बने हुए हैं। पहली बार इन रहस्यमय पिरामिडों के बारे में दुनिया को तब पता चला जब एक अमरीकी बिजनेसमैन फ्रेड मेयर स्कोडर 1912 में वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपनी डायरी में 1000 फीट और उससे भी ऊंचे पिरामिडों का जिक्र किया है, जिसमें छोटे छोटे पिरामिड मौजूद थे। 30 साल बाद अमरीकी एयरफोर्स के पायलट जेम्स गाउजमैन जब उस इलाके से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मिस्र के दी ग्रेट पिरामिड से भी ऊंचा पिरामिड देखा था। उनके अनुसार उसमें मणि जैसा रत्न जड़ा था। 90 के दशक में भी जर्मन इन्वेस्टिगेटर हार्टविग हाउसड्रॉफ ने भी उसकी तलाश की थी, लेकिन नाकाम रहे। हालांकि जानकारी के मुताबिक वो इतना पता लगाने में कामयाब रहे कि उस इलाके पर चीन की सेना की सख्त निगरानी होती है। जानकारी के अनुसार ये पिरामिड 8000 साल पुराने हैं और अब पेड़ पौधों और घासों के नीचे दब गए हैं, इसलिए इसकी पहचान पुख्ता तौर पर बेहद करीब जाने से ही की जा सकती है, क्योंकि दूर से ये पहाड़ी की तरह दिखते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ चीन के पूर्ववर्ती राजघरानों के लोग दफन हैं, इसलिए उन्हें इतनी सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। इन पिरामिडों को बाहर के पुरातत्वविदों को देखने की शायद ही अनुमति मिले, लेकिन उनके पास जो तस्वीरें पहुँचती हैं, वे कहते हैं कि जानबूझकर असलियत छुपाने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर विशेषज्ञों की राय यही है कि उस इलाके में चीन के शासकों और मूल्यवान चीज़ों को दबाकर रखा गया है। इससे पहले 1974 में जब चीन के पहले शासक क्वीन सी हांग की टोराकोटा आर्मी का पता चला था, तब पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। तब भी वहाँ पर कुछ ही पर्यटकों को जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन हांग के मकबरे तक पहुँचने की किसी को इजाज़त नहीं मिलती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन इन पिरामिडों को दुनिया से क्यों छुपा कर रख रहा है? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।